वेलकम टू माय चैनल फरहास लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का वीडियो मैं आप लोग के लेकर आई हूँ ऑल अबाउट आई लैशेज। सो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सेट ऑफ आई लैशेज जो कि मैंने सारी अमेजोन से ही मंगवाई हैं। बहुत ही अफोर्डेबल आई लैशेज हैं ये और काफी अच्छी है और रेंज और वेराइटी भी है इसमें अवेलेबल। सो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इसका ग्लू भी कि कैसा इसका ग्लू है एंड मतलब कितना स्टेइंग पावर है, कौन सा अच्छा ग्लू है आप लोगों के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस, तो प्लीज मेरे चैनल पे, और आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा एंड विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑल्सो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बिगिन विद, जो मैं सबसे पहला आपके साथ शेयर कर रही हूँ आईलैश का सेट, वो है ये वाला। ये इस तरीके की अमेजोन पे काफी अवेलेबल होती है जो ये है। इसका एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आपको 10 पेयर ऑफ आईलैशेस मिलते हैं जिसमें से कि मैं कुछ तो यूज करके फेंक भी चुकी हूँ, बट इसमें से जो मैंने यूज करे वो थोड़े से नेचुरल उसके थे। और ये जो है ये काफी टाइम तक इनफैक्ट आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईलैश को आप एक बार ही यूज करके थ्रो कर देते हैं। आईलैशेस आपके जो है मल्टीपल टाइम्स यूज हो जाती है। इनको आप हटा दीजिए, इनको आप क्लीन भी कर सकते हैं आराम से वॉश करके, देन फिर आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप 2-3 बार इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल यूज होती है एंड ये वो सारी आई लैशेज है। इसमें आपको बहुत ही मिंकी फ्लटरी और इसमें मतलब अलग अलग, ये थोड़ी सी हैवी टाइप पर है एंड ये थोड़ी सी साइड से ज्यादा बड़ी है एंड कॉर्नर इनर कॉर्नर्स में से ये छोटी है। सो इस तरीके की आई लैशेज का सेट जो है वो आपको अमेजोन पे मिल जाता है। एंड जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट करा था तो मैंने इन्हीं आई लैशेज को हमेशा यूज करा है क्योंकि ये इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है और इतनी ज्यादा वेराइटी है कि एक ही पैकेट में आपको 10 तरीके की आई लैशेज मिल जाती है। सो अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर मेकअप, आप आई लैश को पिक कर सकते हैं कि आपको कौन सी आई लैश लगानी है। नेक्स्ट आई लैश का सेट जो है वो इज फ्रॉम द ब्रांड कैलालिस है। ये वाला भी अमेजोन पे अवेलेबल है। नाउ इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने इसको ऑर्डर करा था तो एक ये आई लैश का सेट और इसके साथ ये कैलालिस का आई लैश का ग्लू इसके साथ ही आया था। अब आप फ्री कह लीजिए या कॉस्ट इंक्लूडेड कह लीजिए, वो आपकी मर्जी है, बट ये इसके साथ ही मुझको मिला था। ये सारी आई लैशेज कुछ ऐसी दिखती हैं। अब लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ फैन ऑफ वेरी हैवी आई लैशेज, आपको बहुत हैवी आई लैशेज चाहिए होती है जैसे ब्राइडल स्टाइल में या फिर पार्टी फंक्शंस के लिए हमें अपने आई मेकअप को हैवी दिखाना है, तो ये जो आई लैशेज है ना, इसमें ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कितनी मतलब डेंस आई लैश है। ये बहुत ही ज्यादा डेंस आई लैश है और ये अलग है पैटर्न, ये थोड़ा सा लॉन्गर उसमें आ जाती है, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो, सो ये इस तरीके की आई लैशेज है और इनका बैंड काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, इन सबके बैंड्स जो हैं बहुत थिन हैं, बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी आई लैश ऐसी नहीं है जो प्लास्टिकी लगे और बेकार लगे आपकी आईज के ऊपर। अच्छी आई लैशेज लगती हैं ये वाली भी लगाने के बाद। मैंने अपने बहुत से मेकअप लुक्स में इनको यूज किया है। ये वाली भी बहुत अच्छी है। इसमें मेरी पर्सनल फेवरेट एक तो ये वाली है, ये बहुत अच्छा आईज को ना एलोंगेटेड दिखाती है, बहुत अच्छा लुक देती है। एंड आई लाइक दिस वन टू, इसमें इनर कॉर्नर से ये पतली है मतलब कम है और लेंथ वाइज, और ये आउटर कॉर्नर से ज्यादा है। सो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो इन सब में आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें आपको 7 पेयर ऑफ आई लैशेज मिलती हैं और कैलालिस की और भी आई लैशेज आती हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द वन आई हैव। अगर मैं बड़ा आई लैश सेट की बात करूं तो वो है ये वाला। इसमें आपको 5 पेयर ऑफ आई लैशेज मिलती हैं और ये मेरी सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट है। एक तो इसका बैंड इतना पतला है, बहुत इजिली आपकी आई लैश पे सेट मतलब आई लैश के साथ साथ एकदम सेट हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने अलग से कुछ प्लास्टिक ही लगाया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है, मतलब नेचुरल क्या लगती है कि अच्छी है, प्लास्टिक ही नहीं लगती। नेचुरल तो खैर क्या लगेगी क्योंकि सबको पता होता है कि हमने फॉल्स आई लैशेज लगाई हुई है। लाइक द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, अभी आप देख सकते हैं ये मेरी, ये इसका लास्ट रो ऐसे है। ये मिलते जुलते सेम पैटर्न में है मगर
थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा डेंस है, ये ज्यादा आप देख सकते हैं इसमें गैपिंग है, ये थोड़ी ज्यादा क्रिस्ट क्रॉस है। तो ये जब हम पहनते हैं ना आइस के ऊपर तो हमें डिफरेंस जो है वो इसका समझ में आता है। सो ये भी काफी अच्छी आई लैशेज है अगर आप यू नो पार्टीज और फंक्शंस में पहनना पसंद करते हैं सिर्फ आई लैशेज, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। ये बहुत अच्छी आई लैशेज है एंड अगेन ये भी मल्टीपल टाइम्स आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू ग्लूज जो मैंने आज तक यूज करे हैं। एक तो ये केलालिस का ही मुझे उसके साथ मिला था, उससे पहले मैं यूज करती थी ये मिस क्लेयर का ग्लू। अब दोनों ही ग्लू बहुत अच्छे हैं, दोनों ही काफी अफोर्डेबल है और दोनों ही बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी आई लैशेज को काफी लंबे टाइम तक स्टिक रखते हैं। मुझे दोनों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने दोनों यूज करे हैं। इनफैक्ट बहुत बारी लोग बोलते हैं कि हमसे स्टिक नहीं होती और हमसे चलता नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको आई लैश ग्लू यूज करना भी आना चाहिए, आपको हमेशा अपनी आई लैशेज के ऊपर आई लैश ग्लू लगा के थोड़ी देर तक उसको छोड़ना होता है ताकि वो एक स्टिकी फॉर्म में आ जाए और फिर जब आप उसको अप्लाई करें तो वो आपके आईज पे काफी लंबे टाइम तक टिकी रहती है। अगर आप उसको ढंग से सूखने ही नहीं देंगे और जल्दबाजी में बस आपने अप्लाई कर ली तो वो पहली बार तो ढंग से स्टिक नहीं होगी और स्टिक होने के बाद वो निकल जाएगी। सो ये काफी अच्छे आई लैशेज हैं, अराउंड आई लैश ग्लू है। अराउंड मैंने इसको टेस्ट करा हुआ 6 से 7 घंटे तक ही मेरी आई लैशेज को टिकाए रखती है, जनरली नहीं निकलती मेरी आई लैशेज। मिस क्लेयर का ग्लू है, ये था मेरा ब्लैक कलर का। सो ये भी ब्लैक भी अच्छा रहता है एंड अगर आपको ट्रांसपेरेंट लेना है तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये दिखता व्हाइट है मगर ये सूखने के बाद बिल्कुल आई लैश बैंड पे ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपकी आई लैश पे दिखाई भी नहीं देगा। मेरा सजेशन ये रहेगा गो फॉर द ट्रांसपेरेंट वन, अदरवाइज ब्लैक भी अच्छा है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप ब्लैक लाइनर दोनों पर ही लगा लीजिए सो यू आर सॉर्टेड। दिस इज समथिंग अबाउट द आई लैशेज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी गाइज। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि ये लुक जो मैंने क्रिएट करा है वो आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे क्रिएट करा है, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें ये वाला आई लुक बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट करना मैंने सिखाया है एंड ये वाला बेस मेकअप भी है क्रिएटेड। सो इफ यू आर वेयरिंग समथिंग व्हाइट तो आप इस तरीके से उसको ड्रेसअप कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज को आप मिस ना करें। मैंने बहुत सारे हॉल वीडियोज भी प्लान कर रखे हैं फॉर द कमिंग फ्यूचर सो दैट यू डोंट मिस देम, मे बी आपको अपने लिए कुछ यूजफुल और अफोर्डेबल मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड दैट इज फॉर दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।